इस स्टॉक ने 2 साल में दिया 1000% का रिटर्न। जानिए क्या तीसरे साल भी बन जाएगा मल्टीबैगर स्टॉक। सर्वोटेक पावर सिस्टम एक 618 करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू वाली स्मॉल कैप कंपनी है जो क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन मुहैया कराने के कारोबार में है। कंपनी के शेयर 9 मई को करीब 5% उछलकर 61.10 रुपए पर बंद हुए। ये शेयर बाजार की उन कुछ चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिसने पिछले 2 सालों में अपने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। सिर्फ इस साल की शुरुआत से ही अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 80% का उछाल आ चुका है, जिसके बाद ये उम्मीद जागने लगी है कि क्या ये शेयर लगातार तीसरे साल अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। सर्वोटेक पावर सिस्टम में शेयर बाजार में पहली बार कारोबार 3 सितंबर 2021 को शुरू हुआ था। उस वक्त इसकी प्रभावी कीमत महज 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 61.10 रुपए पर आ गई है। इस तरह पिछले 20 महीनों में ये शेयर अब तक करीब 1054.76% बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने 3 सितंबर 2021 को सर्वोटेक पावर के शेयरों में 1,00,000 रुपए का निवेश किया होता तो आज उसके 1,00,000 रुपए करीब 1054.76% बढ़कर 11.54 लाख रुपए हो गए होते। सिर्फ पिछले 1 साल में ही कंपनी के शेयरों में 242.96% की तेजी आ चुकी है, यानी इसके शेयरों में 1 साल पहले किया गया 1,00,000 रुपए का निवेश आज बढ़कर 3.42 लाख रुपए हो गया होता। कंपनी के शेयरों में हालिया तेजी के पीछे मुख्य वजह इसके मार्च तिमाही के नतीजों का मजबूत रहना है। मार्च तिमाही में कंपनी की कारोबार से आय सालाना आधार पर 125.8% बढ़कर 51.06 करोड़ रुपए रही, जबकि इसकी कुल इनकम 134% बढ़कर 119.98 करोड़ रुपए रही। सर्वोटेक पावर सोलर प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर को बनाने के कारोबार में है। इसके अलावा ये इन्वर्टर और यूपीएस को बनाने के लिए भी पॉपुलर है। सर्वोटेक पावर मेडिकल डिवाइसेस को बनाने के कारोबार में भी है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आम तौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया, तो आप अंदाज़ा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था, जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी जो कि उनके आगे के लिए काम काज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर टू के अंदर।